हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडियाज लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वाज इनोग्रेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश सीएम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। ही आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिएट बिल्डिंग। भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। उन्होंने जिला सचिवालय भवन के लिए आधारशिला भी रखी। नेक्स्ट, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्चेज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP एम टू रिड्यूसिंग टॉक्सिक पार्टिकुलेट मैटर इन 102 इंडियन सिटीज बाय 2024। पर्यावरण मंत्रालय ने 2024 तक 102 भारतीय शहरों में जहरीले कणों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, द 25th एडिशन ऑफ पार्टनरशिप समिट 2019 एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग डिबेट डेलिब्रेशन एंड एंगेजमेंट अमोंग इंडियन एंड ग्लोबल लीडर्स ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्रोथ ट्रेंड इन इंडिया वाज हेल्ड इन मुंबई। भारत में आर्थिक नीति और विकास के रुझानों पर भारतीय और वैश्विक नेताओं के बीच बातचीत, बहस, विचार विमर्श और सगाई के लिए एक वैश्विक मंच भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, द इंडियन पेंट एसोसिएशन IPA द अपेक्स बॉडी ऑफ द कंट्रीज पेंट इंडस्ट्री अनाउंस्ड दैट द 29th बैनिमियल इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। देश के पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन पेंट एसोसिएशन IPA ने घोषणा की है कि 29वां द्विवार्षिक भारतीय पेंट सम्मेलन आगरा, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। निकोलस मडुरो वाज स्वॉर्न इन फॉर ए सेकेंड टर्म एज वेनेजुएलाज प्रेसिडेंट एमिड द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस्ड बाय द लैटिन अमेरिकन कंट्री। मडुरो वाज री इलेक्टेड लास्ट ईयर। निकोलस मादुरो को लैटिन अमेरिकी देश के आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ दिलाई गई। मादुरो को पिछले वर्ष पुनः चयनित किया गया था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF बीरेंद्र प्रसाद वैश्य हैज बीन नेम्ड चीफ द मिशन फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष बीरेंद्र प्रसाद वैश्य को 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन नामित किया गया है। नेक्स्ट, रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंकियम रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द हैनली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया जंप्ड टू पोजीशंस फ्रॉम 81 इन 2080 टू 79th इन 2019। जापान रिटेन्ड इट्स टॉप सपोर्ट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने 2018 में 81वें
स्थान से 2019 में 79वें स्थान की 2 स्थान बढ़त प्राप्त की है। जापान ने दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। इंडियन मैन्स हॉकी कोच हरिंदर सिंह वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजिशन एंड ऑफर्ड द टास्क ऑफ हेल्मिंग द जूनियर स्क्वाड बाई द नेशनल फेडरेशन। हरिंदर सिंह वाज ब्रॉट इन एज मैन्स कोच इन मई 2018 आफ्टर सुजुरुड मरिन जेन वाज मूव्ड बैक टू वुमेन्स कैंप। भारतीय पुरुष हॉकी कोच हरिंदर सिंह को पद से हटा दिया गया है और राष्ट्रीय महासंघ द्वारा कनिष्ठ दस्ते को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। हरिंदर सिंह को मई 2018 में पुरुषों के कोच के रूप में लाया गया था जब सोजर्ड मैरीजेन को महिला शिविर में वापस ले जाया गया था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज। एमसी मैरी कॉम हैज अटेंड नंबर 1 पोजीशन इन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग। सी बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल बॉक्सर इन वर्ल्ड चैंपियनशिप हिस्ट्री व्हेन ही सी क्लेम्ड द 48 kg किलोग्राम कैटेगरी टॉप ऑनर्स इन दिल्ली इन नवंबर 2018। एमसी मैरी कॉम ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। वह नवंबर 2018 दिल्ली में 48 किलोग्राम श्रेणी में जीत दर्ज कर विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी कंपिटिशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।